60 गियर बॉक्स में रिलीज बैरिंग सेटिंग करते समय ध्यान रखना, गैप जो है ना हमारा इन दोनों चेक नटों में 30 से 32 mm का गैप होता है, और ये आगे जो चूड़ी जा रखी है इसके बिल्कुल आगे वो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा, अंदर से आता है ये दोनों इसके बिल्कुल बराबर आ जाएंगी। और जो पीछे का गैप है जब आपका ये हाउजिंग लग जाएगा ना तो इसके पीछे ये ऐसे अंगूठा ऐसे आता है, ऐसे डालने पे ये हाउजिंग के साथ टच करना चाहिए हल्का सा ऐसे, और ये गैप आपका 19 से 20 mm गैप होना चाहिए हाउजिंग के बीच का। जो गियर हाउजिंग हमारा ऊपर गियर चढ़ा देंगे नीचे से आप हाथ डालोगे तो यहाँ पे 19 से 20 mm ये सेंटर वाला आपका होता है, ये 32 mm चेकनेट से चेकनेट, और ये आगे हाथ ऐसे लगना चाहिए। बाई चांस चलने के बाद जब आपका क्लच ऊपर काम करने लग जाता है ना तो आप उसको एडजस्ट करना है, तो जैसे ही आपने ये चेकनेट लूज कर लिया तो ये आपका हाथ से घूमना चाहिए वहाँ तक, आपने इसको लंबा करना है, इधर को खोलना है अगर आपका ये टाइट है तो। अगर आपका ये सही है क्लच प्लेट आपका पैडल फिर भी ऊपर काम कर रहा है तो आपकी क्लच प्लेट डाउन है, वो पैडल ऊपर ही काम करेगा, आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते उसको। हाँ अगर आपका ये टाइट है हाथ से नहीं घूम रहा फिर आपने इसको थोड़ा लूज करना है, इधर को खोलना है, और जब ये हाथ से घूमने लग जाए वहाँ तक इसको एडजस्ट करना है तो आपकी ये सेटिंग बिल्कुल ओके होगी, फ्री प्ले भी हो जाए। हाँ फ्री प्ले बिल्कुल सही रहेगी। और ये जो चेक किया था ये है इसके हाउजिंग, हाउजिंग ये नीचे से हाथ डालना है यहाँ से, ये है नीचे और से। इसके बीच में और रिलीज बैरिंग के बीच में ये इसके बीच में और यहाँ पे रिलीज बैरिंग लगेगा, ये अंगूठा आएगा इस ऐसे अंदर से हाथ डालने का। हाँ और ये 19 mm ही होना चाहिए, आप चाहे डक्के से नाप लो चाहे 19 से 20 mm डाल के ऐसे प्ले देख लो। अगर आप ज़्यादा रखोगे नुकसान क्या है, ये उल्टा काम करता है, ये इसका ये ऐसे खींचता है ऐसे खींचता है, अगर आपने ये गैप ज़्यादा रख लिया ना तो वो और ज़्यादा पुल करेगा, फिर वो कुछ तोड़ भी सकता है, इसीलिए गैप ज़्यादा नहीं रखते उसमें, वो पीछे वाला गैप आपने 19 से 20 mm ही रखना है। क्लच प्लेट जैसे घिस गया तो बोलो। अच्छा दिलवाग सर, इधर प्रेशर प्लेट दे एडजस्टमेंट यार।